नमस्कार हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में स्टूडेंट्स, आज हम पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है, इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है और हिंदी में इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। और यही जो टाइम पीरियड है, ये 99% टाइम को कवर करता है ह्यूमन हिस्ट्री का। 99% जो है, पूरा जो इतिहास है। और ये आप पिछले वीडियो के हिसाब से आप ये भी चीज जान चुके हो कि जिस चीज का हमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता, लिखे हुए दस्तावेज जिस चीज से संबंधित नहीं मिलते, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो ये प्री हिस्ट्री का ही समय है। और जो ये प्री हिस्ट्री का ही जो समय है, वही टोटल जो मानव के इतिहास का 99% समय को कवर करता है। तो ये तो हुई बच्चों पेलियोलिथिक पीरियड को पूरा पाषाण काल कहते हैं और ये कितना टाइम कवर करता है। अब देखो बच्चों, एक्चुअली जो पेलियोलिथिक शब्द है उसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ आप वैसे तो समझ गए कि ओल्ड स्टोन एज है। तो पेलियो जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ओल्ड, यानी कि पुराना। और लिथोस शब्द जो है, यह भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, यूनानी भाषा से, यानी कि जिसका अर्थ होता है पत्थर। तो यानी कि प्राचीन पत्थरों की एज या काल, यानी कि प्राचीन पत्थरों का काल, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पूरा पाषाण काल, जिसे हमने बोला है हिंदी में, पूरा मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि प्राचीन स्टोन एज जो है उसे ही पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब हम अच्छे से समझ गए कि पूरा पाषाण काल क्या है या ओल्ड स्टोन एज क्या है। अब हम बात करेंगे कि इसकी खासियत क्या है। इसकी खासियत यह है कि इसमें नैप्ड स्टोन टूल्स मिलते हैं, यानी कि घड़े हुए पत्थर मिलते हैं। वो तो हम जानते हैं कि दूसरे पीरियड्स में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी अपनी खासियत है, वो भी एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी। देखो बच्चों, जो सबसे पुराने पेलियोलिथिक पीरियड होने की जो पहचान हुई है पुरातात्विक अन्वेषणों से, आर्कियोलॉजिकल साइट से पता चलता है कि जो सबसे पुराने से पुराना जो ओल्ड स्टोन एज का जो जो प्रूफ मिला है, जो सबूत मिले हैं, वो है अफ्रीका से। और ये जो एरिया है, लोकेशन जो है, ये है ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में। यहाँ पर सबसे पुराने पूरा पाषाण काल या ओल्ड स्टोन एज के सबूत मिले हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 3.3 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 30 लाख साल पुराने इसके ओल्ड स्टोन एज के प्रूफ्स मिले हैं अफ्रीका से। और अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की जो ओल्ड स्टोन एज है, भारत का जो पूरा पाषाण काल का जो समय है, वो 2 मिलियन ईयर्स है। यानी कि भारत में 20 लाख साल पुराने इंसानों के रहने के सबूत मिलते हैं। और पूरी दुनिया की बात करेंगे तो लगभग 30 लाख साल पुराना जो ये ओल्ड स्टोन एज का टाइम पीरियड है वह है। ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर, लोअर एंड मिडल। अब देखो बच्चों, ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है, ये स्टार्ट होता है पेलियोलिथिक पीरियड के बाद। क्या होता है कि जब मेसोलिथिक पीरियड, यानी कि मध्य पाषाण काल आ जाता है, उसके बाद उसके टाइम से ही फिर पूरा पाषाण काल के युग को समाप्त समझा जाता है। अब हम बात करेंगे कि पेलियोलिथिक के कितने टाइम पीरियड हैं, उसको जो डिवीजन है उसकी, कि जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है इयर्स के हिसाब से। देखिए, जो सबसे लोअर पेलियोलिथिक पीरियड है, वही सबसे प्राचीन पीरियड है। ये लगभग सी मतलब सिरका, यानी कि लगभग 2.6 या 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग जो है 26 से 25 लाख साल पुराना है। यहां से लेकर ये 1 लाख साल तक चलता है। इसके बाद में मिडिल पेलियोलिथिक का टाइम पीरियड आता है। ये जो है, ये लगभग 3 लाख साल पुराने से लेके 30,000 साल तक का टाइम पीरियड चलता है। और फिर इसमें आता है अपर पेलियोलिथिक। ये सबसे नया है पेलियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल का जो सबसे लेट पीरियड है वो है अपर पेलियोलिथिक पीरियड।
और ये सिरका यानी कि लगभग 45,000 साल से 40,000 या कई जगह पर 10,000 साल तक पुराना भी मिलता है। तो अब बच्चों हम समझ गए हैं कि जो पेलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल युग है वो तीन, उसके बीच में भी तीन डिविजन्स हैं, अपर लोअर एंड मिडल, तीन डिविजन्स हैं उसके बीच में भी, और उनका भी टाइम अलग अलग है। और बच्चों एक चीज और ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि एक्चुअली जो पेलियोलिथिक पीरियड है वो, जैसे कि हमने समझा कि अफ्रीका में तो लगभग 30 लाख साल पहले का है, सॉरी, और जबकि इंडिया में जबकि अगर हम देखेंगे तो वो 20 लाख साल पुराना है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है ये पूरी धरती पर एक जैसा एक समान नहीं था, अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर, कहीं पर मीजोलिथिक चल रहा था, कहीं पर पेलियोलिथिक चल रहा था, कहीं पर नियोलिथिक चल रहा था, ऐसा होता है इतिहास में। तो अब हम इसके औजारों की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं। तो इसमें जो पत्थरों से बने हुए औजार हैं, स्टोन टूल्स हैं, या हाथ में पकड़ने वाले एक्सेस भी हैं, हथौड़े भी इन लोगों ने बनाए थे, स्क्रेपर जो कि छाल वगैरह को छीलने के लिए भी स्क्रेपर्स को इस्तेमाल करते थे, या कई कई स्टोन टूल्स में शायद लकड़ी का भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे सबूत मिले हैं। अब देखिए लकड़ी का तो सबूत नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह का डिजाइन होता है पत्थर के औजार का, उससे ऐसा लगता है कि यह किसी हड्डी या लकड़ी की चीज के अंदर रखा गया होगा। तो अब बात करते हैं कि लोग ये करते क्या थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, हंटर्स यानी कि शिकार खेलने वाला, और गैदरर का मतलब ये है जो खुद कुछ उगाता नहीं है, जो कि कुदरती तौर पर जो फल है, सब्जियां हैं, जो कुदरती तौर पर अनाज वगैरह है, अगर वो उग गया तो यह उसको इकट्ठा करता है। तो ये खाने के लिए शिकार और खाने को इकट्ठा करने वाला इनका लाइफस्टाइल है। और इन ये रहते कहाँ थे, तो अभी आप चित्रों में देख सकते हो कि पहले चित्र में तो आप देख सकते हो कि जो आदि मानव है, जो जो इस पेलियोलिथिक टाइम पीरियड का जो इंसान है, वो कैसे वो हंट कर रहा है, वो शिकार खेल कर लाया है खाने के लिए जानवरों को। और रहने के लिए हम दूसरा चित्र देख सकते हैं, यह एक गुफा है बच्चों। यह जो चित्र है ये भीमबेटका का चित्र है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यह भारत का सबसे पुराना जो है पेलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के युग के बीच का जो समय है उसका सबसे पुराना सबूत है ये। और इस समय का जो इंसान था वह केव पेंटिंग्स भी बनाता था, यानी कि गुफाओं में चित्र भी बनाता था। देखिए इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये शायद किसी युद्ध का चित्र है, जिसमें जो लोग हैं जानवरों के ऊपर बैठे हुए हैं, घोड़े वगैरह के ऊपर, और शायद शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं या युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो इस समय जो इंसान है, इस समय के जो सबूत हैं, हमें औजार मिलते हैं और इसके साथ ही हमें केव पेंटिंग्स भी मिलती हैं। केव पेंटिंग्स जो हैं वो फ्रांस में भी मिलती हैं, भारत में भी मिलती हैं, दुनिया के कई देशों में जो गुफाओं पर जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं ये मिलते हैं। और ये आदि मानव के ही होने के सबूत हैं, वह क्या सोचता था किन चीजों के बारे में, अपने बारे में वो क्या दिखाना चाहता था, ये पेंटिंग से हमें पता चलता है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चलता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको पेलियोलिथिक पीरियड या ओल्ड स्टोन एज या पूरा पाषाण काल जो है उसके बारे में ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, आपने बहुत कुछ जाना होगा इस वीडियो के माध्यम से। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के इतिहास से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।